हे गाइस वेलकम बैक, आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं उदयपुर को एक्सप्लोर करने। उदयपुर को एक्सप्लोर करने और हम लोग तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे हम रील्स वगैरह बना रहे हैं क्योंकि हम सोच रहे हैं इंस्टाग्राम का कंटेंट क्रिएटर बनेंगे, हम रीलर्स बनेंगे, उसी लिए हम कुछ कर रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ, छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हम रील्स और फोटो वगैरह बना रहे हैं और अभी हम जाएंगे, पूरा उदयपुर घूमेंगे, देखेंगे कौन कौन सी जगह जाएंगे। उसके बाद फिर हमें जैसलमेर भी निकलना है, शायद सीधा घर निकलेंगे, वो देखेंगे। बट चलो जल्दी से चलते हैं। ओए चलो, अच्छा रील बन रही है। तो भाई अभी हम सिटी पैलेस नहीं जा रहे हैं, पहले हम खाना खाएंगे क्योंकि हर्षित भैया कह रहे हैं भाई मेरा वेट कम हो गया, थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। हर्षित भैया पहले 1000 किलो था, अब इनका 2000 किलो हो जाएगा। जिम की स्टोरी तो डालनी है। जिम की स्टोरी डालनी है गाइस, पराठा खा के देखो मैं जिम जा रहा हूँ। पराठा खाने से बॉडी बनती है गाइस, और पेट भी बनता है, फैमिली पैक्स। यस, तो भाई हर्षित भैया का वजन बढ़ चुका है और इन्होंने वजन घटा लिया है। मैंने तो फुल कर लिया भाई, हैं फुल, अब 100 किलो का हो गया मैं। और मेरा भी थोड़ा बहुत वजन बढ़ गया है, पॉइंट कुछ बढ़ गया होगा, है ना। तो चलो अभी चलते हैं सिटी प्लेस। इतना बढ़ गया कि जहां हम जाएंगे उड़ेंगे नहीं। ये खड़ी हमारी स्कॉर्पियो, भाई बढ़िया गाड़ी है, ठीक है, स्कॉर्पियो ही लो। छट्टी गाड़ी है, ऐसी गाड़ी लो ही मत बहन, चलो आग लगा दो इन गाड़ियों में। ड्राइवर। अबे भाई कल क्या हुआ, कल हम होटल में जा रहे थे तो वहीं किसी का चेक इन होगा, तो गाली दूं, एसी बंद करो। समझ गया मैं, समझ गया। बताओ बताओ सीक्रेट टॉक्स, हमारा खड़े कट कर देना भाई से। साथ ही बुला के आ रहा था कुलचन। हाँ फिर भाई, अरे शीशा खोल दे, कोई लड़कियां वड़के आ रखी होंगी वहाँ लेकिन के लिए कोई फैमिली बुला के आ रहा है। छाती छोड़ के जैसे ही घुसा मैंने कहा ड्राइवर जल्दी आ भाई, लड़कियां भी देख रही थी भाई। क्या वाह भाई, तुम सर की टिकट मैं ले सकता हूँ या अपने आप लेगा। अरे भाई सब सुन लिया, हाँ सब का ये करेगा, मैं क्या करूँ, ठीक है, ओके। भाई भाई मुझे नहीं पता, वीडियो में बोल दिया, अब करना पड़ेगा भाई। देखो टिकट मेरा भी चार फेस है। रुको रुको सनी, तू बोलता भी है? अरे भाई। So guys, हम लोग आ चुके हैं सिटी पैलेस, हो रहा सिटी पैलेस और हमें इस तरफ जाना है। और अभी विवेक भाई हमारे लिए वो ले रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, टिकट्स, पर्ची ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने बोला था लेने के लिए कि तुम चारों का मैं लूंगा और तुम लेके आओ ना अपना। हेलो सर। तो गाइस हमको वहां से भगा दिया गया है, बोले बगल से आना पड़ेगा, तो हम साइड में आके खड़े हो गए। जल्दी आओ भाई, बगल से आओ, जल्दी आओ। अरे अरे जोक अच्छा था, सुन जोक अच्छा था पर हंसी नहीं आई क्योंकि बगल में तेरे बाल दिख रहे हैं। तो चलो जल्दी से टिकट लेते हैं और अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं अंदर क्या क्या है। तो गाइस ज्यादा वजन होने के कारण हर से चढ़ा नहीं जा रहा है, कह रहे हैं कि मेरे लिए ट्रक बुलाया जाए। मैं एक बात बताता हूँ आपको, मतलब अंदर खाने की बात है, ऐसे कोई वो नहीं है। यहाँ पे हर्षित पुराने जमाने में हाथी हुआ करता था जिसके पेट पे राजा बैठ के आते थे। नहीं ये मजाक नहीं करना, मैं सही बता रहा हूँ, इसे देख के देख लो, हाथी जैसे ही लगता भाई, बॉडी बन रही है यार, ऐसे मत बोलो, बॉडी बन रही है। ये देखो गाइस, देखो 70 किलो इधर है, 70 किलो इधर है। भाई यहाँ से देखो क्या व्यू आ रहा है भाई, खतरनाक। प्लस अभी हमें को इधर जाना है और हम गाइड का वेट कर रहे हैं। गाइड वाला कह रहा है 500 लेगा और हम बोल रहे हैं 400 देगा, वो बोल रहा है 500 लेगा, हम बोलेंगे 400 देगा। सो गाइस जितने भी राजा वगैरह हैं वो सब इधर जाते हैं, ठीक है, हमारी नो एंट्री है इधर, हमको जाना है इधर वे टू सिटी पैलेस। देखो जो राजा है ना वो उधर रहते हैं। अरे हंस दिया, पूछ लो थार बिक रही है क्या? अरे मेरी खड़ी है। मुगल भाषा में बोलते दीवाने, हम पब्लिक मीटिंग जनता दरबार वगैरह यहीं पर होते हैं,
और हाथी घोड़ों के पास ही ये गार्डन और ये रेस्टोरेंट है 1992 का बना। 1992 पहले का गार्डन रेस्टोरेंट नहीं था, तो जो लोग गार्डन से मिलने आते थे एक रेस्टोरेंट और गार्डन है, यहाँ पर लोग बैठते थे और यहाँ से राजा पब्लिक एड्रेस करते थे। तो भाई हम लोग अंदर आ चुके हैं ना, उन्होंने बहुत कुछ बताया जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन मैं सुन रहा हूँ ध्यान से ताकि मुझे याद रहे और बाकी अगर मैं अगली बार किसी के साथ आऊँ तो मैं उनको बता पाऊँ, है ना। तो नीचे बहुत सारी चीज़ें बताई और अभी हम जा रहे हैं आगे। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं महाराणा प्रताप के हथियार देखने। बोल रहे हैं कि 35 किलो के हथियार वो कैरी करते थे अपने पास जब वो कहीं युद्ध पर जाते थे। तो अभी दिखाए जाएंगे अंदर, अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई जो बताया जाता है कि एक ही तलवार में पूरा घोड़ा समेत काट दिया था बीच में से, वो ये ऐसे उसकी पिक है ये। मुगल सेना का आदमी, इसका नाम था बैरो खान। हाँ भैया, कितनी पतली हड्डी में निकल जाओगे तुम पक्का? हाँ। अरे 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 आओ भाई, आराम से हड्डी बहुत नीचे है, दिख रहा ऊपर वो भाई चमगादड़। हाँ भाई, भाई महल के ऊपर ऐसी चीजें बनी हुई है भाई, नाइस। हमने अपने साथ गाइड बुलाया, फोटोग्राफर बुलाया, वही तो फोटो खींचना हमारा था। एंड में जाके उन्हें कह दे सर गाइड के 400 थे, फोटोग्राफी के 1500। तो गाइस इस टाइम तो व्हाट्सएप, फेसबुक और मैसेंजर होते हैं, पर पुराने टाइम का तुम्हें पोस्ट ऑफिस दिखाते हैं और व्हाट्सएप फेसबुक मैसेंजर ये हुआ करता था। यहाँ पे कबूतर रहते थे और यही एक पैलेस से दूसरे पैलेस की तरफ ले जाया करते थे गाइस, और यहाँ पे कबूतर रहते थे उनके पैरों में बांध के चिट्ठी, और राजा एक दूसरे को मैसेज भेजा करते थे। थैंक यू यार व्लॉग में बोलने के लिए, क्योंकि मेरे को बोलना पड़ता ना दोबारा, तो मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड कर दिया भाई। राजा महाराजा सब यहाँ पे होली खेलते थे, ठीक है, और ये नहाने की स्नान करने की जगह है। रानी और राजा यहीं पे नहाया करते थे, समझ रहे हो भाई। यहाँ से देखो हम कितनी ऊंचाई पर हैं, देख रहे हो, और इतनी ऊंचाई पर भी पेड़ हैं क्योंकि ये ना एक पहाड़ हुआ करता था और पहाड़ पे बनाना है पूरा, तो इसलिए यहाँ पे पेड़ वेड़ सब पहाड़ पे ही हैं। ग्लासेस बेल्जियम ग्लासेस हैं सारे, और गाइस यहाँ से रानी ऐसे चुन करके नीचे का फंक्शन देखा करती थी। ये दीवाने खास है गाइस, यहाँ पे राजा के खास लोग और राजा बैठ कर मीटिंग करा करते थे, और फंक्शन वगैरह भी जो रॉयल फंक्शन होते थे वो भी यहीं पर हुआ करते थे गाइस। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो गाइस अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और मैं तो इनकी तरफ कर देता हूँ कैमरा, ये बताते रहते हैं। जीशु भाई एक दो पेंटिंग उतार कर जेब में रख लो जल्दी। भाई तो देखो सोना चमक रहा है भाई, देखना क्या पेंटिंग है भाई। रुको जल्दी। अरे आ गई, बहुत बड़ा यार, बहुत बड़ी जेब है ना अंदर, हुआ डोरेमोन का जेब के लिए बोला था, बहुत बड़ी जेब, वही तो कह रहा डोरेमोन का। हां भाई, बोलना दोबारा बोलना मेरे इसके लिए। ये गाइस राजा का हनीमून वाला रूम हुआ करता था, ये सारा कांच का है गाइस, यहाँ पे एक कैंडल लगते, एक दो कैंडल लगते थे सारे का उजाला हो जाता था, सारा बेल्जियम ग्लास है, और जहाँ भी आपको शाइनिंग दिखेगी वो रियल गोल्ड है गाइस सारा। और ये जो कौन सा शाइनिंग गाइस, ये वाला गेट देखो, ये जो शाइनिंग है गोल्ड उसकी, ये सब रियल गोल्ड है, और ये जो देखोगे ये हाथी के दांत से बनाई गई है। तो गाइस ये हैं 16 खिड़की, ठीक है, 16 खिड़की 16 रानियों के लिए। तो भाई मैं भी घर में 3-4 तो बनवा ही दूंगा। जरूरी है। नहीं, फिर रोज 3-4 एक के लिए, समझ रहे हो ना। मैंने तो अपने जो फार्म हाउस बनवाया उसमें पहली 50 खिड़की है, फिर रोज केस लड़ते हैं। तो ये 16 खिड़की 16 रानियों के लिए, लेकिन एक खिड़की
मतलब एक के लिए बनवाएंगे जो भी खिड़की बनेगी, समझ रहे हो? हाँ तो यार हम एक अब हम कर नहीं सकते ना यार, वरना घर वाले हमें बोलेंगे बेटा जाओ अपना देख लो। कैमरे ऐसे होते थे। हेलो सनी भैया, देख मेरे पास रानी तो है नहीं, ठीक है, तो यार मैं तुझे तुझे ही खिड़की दिखा लेता हूँ, ले देख ले। ओह माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। तो गाइस अभी हम लोग पूरा सिटी पैलेस घूम लिए और भाई मजा आ गया। देखो सब लोग पता नहीं यहाँ पे, देखो अर्शद क्या कर रहे हैं अभी अभी साइड में गंदगी फैला रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा भी ऐसा होता है, यहीं यहीं लग गए तुम करने। पेड़ों को पानी दे रहा हूँ, पेड़ों को पानी दे रहा हूँ। हाँ यार मुझे लग रहा है वो ऊपर पेड़ थे ना वो बड़े, तुम नहीं कर रहे थे। घूम भी रहा हूँ, नहीं तो मेरा तो कमरा अलग है। चला जा भाई, गिलास ही गिलास लग रहे हैं ना। हाँ वही सोता है तुम्हारा भाई, तुम लोगों के साथ घूम रहा हूँ मैं। डर तो नहीं जाते तुम अपने आपको देख के वहाँ पे? तो मैं किसी ने चार्ज वार्ज तो नहीं लिया? नहीं नहीं लिया भाई, बिल्कुल चार्ज नहीं लिया, बिल्कुल चार्ज नहीं लिया। आगे यहाँ अभी कॉल करके मना कर रहा हूँ, रुक जाओ। हर्षित भैया कैसे काम हो रहे हो? अरे यार मैं एंट्री दिलवा रहा हूँ तुम्हें, एक तो यहाँ अपने उसमें घर में महल में। हाँ अरे कोई भी एंट्री कर लेता है हर्षित भैया, थोड़ी होता है पैसे दे के कोई भी एंट्री कर लेता है यार। कल चढ़ा दूंगा पैसे है, कल से एक एक किलो सोना कर दूंगा। एक एक किलो सोना। ओए सुन लो भाई, महाराज ने मना कर दिया एंट्री के लिए। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं अब घर की तरफ। ओ सॉरी सॉरी, घर नहीं जा रहे, घर नहीं जा रहे, कल से काम चला दूंगा। जब वहाँ सिर्फ खड़ी है हाँ, वहाँ पे बनेगा एक और। अच्छा किला बनेगा बहुत तगड़ा वाला। ओके ठीक है, उसमें बस तुम लोगों के एंट्री करवा सकता हूँ मैं। ठीक है मना नहीं कर सकता मैं इन लोगों को, पैसे वैसे ले जाते हैं। हाँ यार सही है यार, तुम अच्छे अच्छे अभिनेता हो। पार्किंग में भाई वो देख रहे थे भाई, तो बाकी पैसे नहीं चाहिए क्या ना? हाँ सही। मैंने क्लोथ्स नहीं पहने तो पहचान भाई, इन देश को मत लेकर आएगा तुम, पहले बता रहा हूँ। अरे यार भाई गलती कर दी लागे। ये हर्षित भाई का घर है आगे और आना। चलो ठीक है, मिलेंगे बाद में। ठीक है हर्षित भाई, बाय बाय। ठीक है गाड़ी यहाँ से बाहर जा सकते, कॉल कर दिया मैंने। चलो हर्षित भाई बाय बाय, छोड़ के आ जाओ, छोड़ के आ जाओ, चलो मैं बाहर तक। हाँ ये लोकल का ही है। राशन कार्ड कैंसिल करवा दो, रोज आ रहा है तो भाई आटा लेने। राशन कार्ड ही नहीं है, घर पे तो है किसी का? नाबालिग, नाबालिग कैसे घूम रहा है सड़कों पे? सेनापति और आगे सेनापति आ गए, तुमसे अच्छे तो ये है समझे। वैसे बालों की सर की बात हो रही है या कहीं और की? मतलब कल को जानकारी मिली थी, तुम्हारी फोन आया था, मैंने तो क्या कर लोगे मेरा? बहत्तर सौ मांगो, बहत्तर सौ हम आए गए, क्या कर लेगा तू मेरा? कल तो बहुत कुछ। अरे लड़े मत महाराज, लड़ो मत, अपना जाओ अंदर बैठो सो आराम से। आंटी भी देख रही थी। मार दे महाराज, अरे मार दे महाराज, मार दे सैनिकों को बुलाओ। वहाँ जिनकी डेथ हो चुकी है उनके फोटो लगे हैं, मतलब तुम्हारा भी? नहीं यार आज से यूथ चेंज हो चुका है, ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब क्या होता है, हम जो है जैसे हम जाट हैं और ये राजपूताना है, तो गली नहीं मिलेगा भाई, तो हम ऐसे तुम जैसे खंजर तो ऐसे खंजर घुस देते हैं। हमेशा हमेशा धोखा दिया इन जैसों ने, धोखा दिया। हाँ वही तो, क्लास में हो गया, कॉलेज में हो गया, हर जगह धोखा ही मिले। अबे यार ये थोड़ी तमीज अमीज नहीं है क्या? ये राजा वाजा को देखा है, चिपकने राजाओं से चिपकने लग जाते हो दो मिनट में। चलो यार चल रहे यार, बहुत मस्ती हो गई और अंदर बहुत कुछ देखा हमने। सो गाइस हम लोग आए पाल लेक, ठीक है, उदयपुर में, और अभी मुझे बहुत वोमिट जैसा हो रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है मैं, मेरी अब तबीयत ख़राब होने वाली है,
तो वो लोग तो उधर चले गए हैं, ठीक है, और मैं इधर ही बैठा हूँ क्योंकि मेरे से चला नहीं जा रहा भाई, चला नहीं जा रहा, प्लस ऐसा लग रहा है तबीयत ख़राब होगी, पक्का होगी। तो या तो मुझे नींद चाहिए या फिर वॉमिट वगैरह आएगी, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। प्लस यहाँ से व्यू देखो भाई, हालत खराब। अरे भाई भाई भाई, तो भाई जैसे मैंने आपको बताया था मेरी तबीयत हो रही ख़राब, तो भाई हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हम हॉस्पिटल आ गए हैं। आप लोग नंबर क्यों दिखा रहा भाई, ठीक है, और अब बहुत हो लिया और इससे ज़्यादा मुझसे ब्लॉग बनेगा नहीं, ठीक है, तो मैं अभी एंडिंग कर देता हूँ। असल में निकल रहे हैं हम लोग बस जूडियो से कपड़े दिलाने हैं टिशू बैग के लिए, और हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया है तो हम कुछ नहीं लेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, बाकी मुझे सिंपति दो यार, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। 1 मिलियन 1 मिलियन कराओ यार, चलो कोई बात नहीं। तो मिलते हैं गाइस आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय। एंड हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, मीन्स रील्स बनाई है, तो उधर फॉलो करना ना भूलना, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।